तो गाइस यहां से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सब्सक्राइब दबाइए और उसके बाद बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक स्मार्ट इंडिया। और आज हम बताएंगे आपको आप पेटीएम से किस तरह से उधार ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास किसी बैंक के फिजिकल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, हर महीने आपको एक लिमिट होती है आपकी, हर महीने आप उसको खर्च करते हैं, यूज़ करते हैं कार्ड को, और बिल जनरेट होते ही आप उसको भर देते हैं। सेम उसी तरह से पेटीएम पोस्टपेड का फीचर जो है यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें आपको एक लिमिट सेट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपकी KYC वगैरह सब कंप्लीट होनी चाहिए पेटीएम के साथ में। तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको वहाँ पे वो पेटीएम पोस्टपेड फीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसमें आपको कुछ भी लिमिट मिल सकती है आपके यूजेज के ऊपर, जो भी आप पेटीएम में जिस तरह से आप यूज़ करते हैं, 100, 200, 500, 1000, 3000, 10000, अप टू 60,000 की लिमिट यहाँ पे पेटीएम दे रहा है, जिसको आप पेटीएम के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई सामान खरीदना है, कुछ मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर मूवी टिकट्स लेनी है, तो उस तरह से आप शॉपिंग के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई बिल वगैरह नहीं भर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि किसी एक जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से नहीं भर सकते, उसी तरह से यहाँ पे आप एक बिल आप पेटीएम से उधार लेके नहीं भर सकते। सो अपनी शॉपिंग के लिए यूज़ कीजिए, महीने के महीने आपके एक जो यूज़ करेंगे, हर महीने एक तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, उसके बाद 7 तारीख तक आपकी ड्यू डेट होगी, आपको वो भर देना है। अगर नहीं भरते हैं तो उसके बाद फिर लेट फीस और फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ सकता है। सो आइए ज़रा देख लेते हैं किस तरह से आप अपना पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट कर सकते हैं। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे अपने नाम के ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी इस तरह से, जो कि ऑलरेडी KYC कंप्लीट है सबकी। और नीचे आप देखेंगे मेन्यू के ऑप्शंस में आपको पेटीएम पोस्टपेड यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरे रूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपको 60,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी और क्या इंटरेस्ट, किस तरह से फीस चार्जेस हैं, वो सारे यहाँ पे आप ज़रूर पढ़ें, उनको सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। और एक्टिवेट माई पेटीएम पोस्टपेड आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पेटीएम पोस्टपेड फीचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दिखा रहा है मुझे, 1000 रुपये मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। सो इन 1000 रुपये को मैं शॉपिंग के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस पैसे को किसी को सेंड नहीं कर सकता, अपने कोई बिल्स नहीं भर सकता, पर इसे इस ऐप के अंदर जो शॉपिंग करने के हिसाब से, मूवी टिकट्स या फिर कुछ पेटीएम मॉल से कुछ शॉप करना हो, या DTH रिचार्ज करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर बिल के लिए मैं यहाँ पे अपना अगर पे करने की कोशिश करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं भी पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे जैसे आपका पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन है, वैसे ही पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये DTH रिचार्ज करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मेरे को पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिखा दिया। सो इन 1000 रुपये में से मैं पे कर सकता हूँ। और रही मूवी की बात, तो मैं मूवी बुक करते समय आप देखेंगे तो आप जिस तरह से नॉर्मली मूवी बुक करते हैं वो मूवी बुक कीजिए। जब आप उसे बुक करेंगे सो अगेन वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, और साथ ही में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपेड का। सो पेटीएम पोस्टपेड के ऑप्शन को वहाँ पे चेक करना है आपको, और बाकी सारे ऑप्शंस को अनचेक कर देना अगर आप इस तरीके से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं। यानी कि आज अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप मूवी या कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सामान खरीदना चाहते हैं उस लिमिट में जो आपको मिली हुई है, तो वो यहाँ पे आप आसानी से कर सकेंगे। और नेक्स्ट एक मंथ को आपका बिल जनरेट हो जाएगा 1 तारीख को, 7 तारीख तक आपको वो क्लियर कर देना है, वो बिल जो है आपको पे कर देना है। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पे दिखा रहा है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा पे करने के लिए। सो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और नेक्स्ट पेज आने के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, कार्ड्स का ऑप्शन है, और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन। सो यहाँ पे सिक्योरली लिख रहा है, यानी कि ये जो मेरे पास 1000 रुपये हैं, इनमें से मैं मूवी बुक करके मूवी भी देखने जा सकता हूँ अगर मेरे पास आज पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाएगा, जब इसका बिल जनरेट हो जाएगा, 7 तारीख तक बिल भर देना है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेट ना करें, टाइम टू टाइम पेमेंट करें, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें देख लीजिए कितना परसेंट क्या इंटरेस्ट लग रहा है। और जैसे जैसे आप इस लिमिट को यूज़ करेंगे और बिल भरते जाएंगे, आपकी लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। सो गाइस, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जो है वो भी ज़रूर दबाइएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।